देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच 8 दिसंबर की रात अन्नदाताओं की गृह मंत्री से बात हुई। इसके बाद अगले दिन यानी 9 दिसंबर को सरकार की ओर से कृषि विधेयक के किन किन मुद्दों पर सरकार संशोधन कर सकती है ये प्रस्ताव अन्नदाताओं को भेजा गया, लेकिन अन्नदाताओं ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद ना तो सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव अन्नदाताओं के पास भेजा गया है और ना ही बातचीत के संकेत मिले। लेकिन अब सरकार एक बार फिर बातचीत कर सकती है, लेकिन इन सब के बीच आज दिन भर आंदोलन को लेकर क्या क्या रही हलचल, देखिए इस रिपोर्ट में। सर्दी बढ़ती जा रही है, साथ ही सिंघू बॉर्डर पर अन्नदाताओं का जोश भी बढ़ता जा रहा है। अन्नदाता अड़ गए हैं कि पहले सरकार कृषि कानून रद्द करे, उसके बाद कोई बात होगी, लेकिन सरकार संशोधन तक ही तैयार है। 5 दिन से अन्नदाताओं और सरकार के बीच बातचीत भी नहीं हो रही है। सरकार की कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके ये आंदोलन समाप्त हो। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी उपस्थित थे। सरकार की ओर से एक बार फिर बातचीत की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर अन्नदाताओं का समर्थन बढ़ता जा रहा है। पंजाब के DIG लखमिंदर सिंह जाखड़ ने अन्नदाताओं के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि वो कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे अन्नदाताओं के साथ खड़ा होना चाहते हैं। राजस्थान से भी अन्नदाताओं का सिंघू बॉर्डर पहुंचना शुरू हो गया है, जहां पहले ही पंजाब और हरियाणा के अन्नदाता बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं। अन्नदाताओं ने सरकार को सख्त चेतावनी दे रखी है कि यदि विधेयक वापस नहीं हुआ तो कल यानी 14 दिसंबर से आंदोलन तेज किया जाएगा और हर जिले में धरना शुरू किया जाएगा। इस बीच कल भारतीय किसान यूनियन के नेता राजनाथ सिंह से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपने वाले हैं। अन्नदाताओं ने साफ कर दिया है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई और तीनों बिलों को वापस नहीं लिया गया तो वो सिंघू बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। DB Live की रिपोर्ट।